नमस्कार, मैं हूं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। पटना एयरपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अहम सूचना। पटना एयरपोर्ट ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विमानों का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। नए शेड्यूल में पटना एयरपोर्ट से हर दिन 110 विमान उड़ान भरेंगे और उतरेंगे, जिसके बाद अब नए शेड्यूल में पटना एयरपोर्ट से देश के लगभग एक दर्जन से अधिक शहरों के एयरपोर्ट के लिए सीधी विमान सेवा उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें सबसे ज्यादा 18 फ्लाइट नई दिल्ली और पटना के लिए उपलब्ध है। इसके बाद बैंगलोर और मुंबई के लिए विमानों की सेवा उपलब्ध है। पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरने और उतरने वाले विमानों का नया शेड्यूल 30 अक्टूबर तक ही प्रभावी रहेगा। इसके बाद ठंडी के मौसम में कोहरे की स्थिति को देखते हुए फ्लाइट के समय में बदलाव का आदेश जारी किया गया है। नए शेड्यूल के अनुसार कुल 6 जोड़ी विमान भरे हैं, जिसके तहत राजधानी दिल्ली के सर्वाधिक 18, बैंगलोर के लिए 8, मुंबई के लिए 7, कोलकाता के लिए 5, अहमदाबाद, हैदराबाद और अमृतसर के लिए 3-3, पुणे, चेन्नई और गुवाहाटी के लिए 2-2, रांची और लखनऊ के लिए 1-1 फ्लाइट उपलब्ध है। हालांकि यात्रियों के लिए खुशी की बात है कि 23 अक्टूबर से हैदराबाद और बैंगलोर के लिए इंडिगो की 1-1 फ्लाइट उड़ान सेवा शुरू होने वाली है। 24 अक्टूबर से इंडिगो की ही मुंबई की रात वाले विमान सेवा शुरू होगी। ये विमान रात 12:35 पर पटना से मुंबई के लिए उड़ान भरेगी। इसके अलावा दिल्ली के लिए गो एयर के विस्तारा ने बेंगलुरु रूट पर एक और स्पाइस जेट ने अमृतसर के एक नई फ्लाइट शुरू की है। बिहार के पटना एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के पुणे के लिए सारी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। इन दोनों एयरपोर्ट से पुणे के लिए कोई भी फ्लाइट 14 दिनों तक उड़ान नहीं भरेगी। पटना एयरपोर्ट निदेशक भूपेश नेगी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। मिली जानकारी के अनुसार पुणे एयरपोर्ट पर 16 से 29 अक्टूबर तक रनवे के मरम्मत का काम होने वाला है। रनवे की सतह की रिकार्पेंटिंग को लेकर ही पटना एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट से पुणे के लिए फ्लाइट कैंसिल की गई है। पटना एयरपोर्ट निदेशक भूपेश नेगी ने बताया कि पटना एयरपोर्ट और दरभंगा से ऑपरेट होने वाली एक ही फ्लाइट 16 से 29 अक्टूबर तक न तो आएगी और न ही यहाँ से उड़ान भरेगी। मिली जानकारी के अनुसार पटना एयरपोर्ट से पुणे के लिए स्पाइस जेट की एक फ्लाइट है और इंडिगो के लिए दूसरी फ्लाइट है। ऐसे में जिन भी लोगों ने पुणे के लिए इन फ्लाइट्स का टिकट कटवाया है, उनके पैसे वापस किए जाएंगे या फिर वो यात्रा की तारीख को आगे भी बढ़ा सकते हैं। वहीं पटना एयरपोर्ट से परिचालित होने वाली विमानों के शेड्यूल की बात करें तो विस्तारा 717, 718 बेंगलुरु पटना, बेंगलुरु सुबह 9:55 पर आगमन होगा और 10:30 प्रस्थान कर जाएगा। वहीं इंडिगो 603, 604 हैदराबाद, पटना हैदराबाद का आगमन रात के 10:50 पर होगा। वहीं यह विमान 11:45 पर प्रस्थान करेगा। इसके साथ ही इंडिगो 635, 636 बेंगलुरु पटना, बेंगलुरु का आगमन रात 11:15 पर होगा और ये विमान 11:45 पर प्रस्थान कर जाएगा। इंडिगो 259, 202 मुंबई पटना, मुंबई रात 12:05 पर आगमन होगी और 12:35 पर ये प्रस्थान कर जाएगी। इसके अलावा गो एयर 165, 168 दिल्ली पटना, दिल्ली का आगमन सुबह 7:05 पर होगा, वहीं इसका प्रस्थान 7:35 पर होगा। स्पाइसजेट 7327 और 3273 गुवाहाटी पटना अमृतसर का आगमन सुबह 7:20 पर होगा, वहीं प्रस्थान 7:55 पर होगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।